サンゴレニート。तो गाइज आज हम जा रहे हैं ऊपर कंडे फूल उठाने के लिए, और वो फूल मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, हमारी बोली में उसे फंटिंग वो बोलते हैं, वो उठाने गए हैं लेवेंडर कलर का, आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम अपना सामान वामान उठा के चले हैं, बाकी हमने चौली और ऑर्नामेंट्स पहने हैं लेकिन दोड़ू नहीं पहना क्योंकि चलने में दिक्कत होगी, ऊपर जाकर पहनेंगे और पीठ में लेकर चले हुए हैं हम बैग में, बाकी आप लोगों को मैं रास्ते में बताती रहूंगी। तो चलिए फिर। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने स्टार्ट हो गई है, सुबह से तो हल्की हल्की हो रही थी लेकिन अभी और ज़्यादा तेज़ हो गई है। पता नहीं हम ऊपर कैसे पहुँचेंगे, मुझे लगता है हम भीग जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होगा। पर ऐसा है कि बारिश में चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मौसम अच्छा रहे, मतलब धूप नहीं है तो बहुत ही अच्छा है हमारे को चलने को ना, अदरवाइज तो हम टैनिंग हो जाती फेस में, आप लोगों को पता है पहाड़ों की धूप कितनी ज़्यादा लगती है चेहरे पर, एकदम चुभती है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कंडे, और ये है त्रंडा विलेज का कंडे, देख सकते हैं कितना सुंदर है। और अभी हमने वहाँ से ऊपर जाना है, आधे लोग पहले ही चले गए हैं, हम अभी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। थक गए आप लोग? थके कि नहीं थके? नमस्कार आप सबको, बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं। आप सबको मालूम है बैसाखी शुरू हो रहा है, वैसे ही हमारे त्रंडा गांव में भी हम बैसाखी के लिए आए हैं, देवी माता के लिए फूल उठाने। तो हम अभी हम कंडे पहुंचे हैं, यहां से हम और आगे जाएंगे, थोड़ा हम यहां रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, आगे जाके हम देवी माता के लिए फूल उठाएंगे और फूल उठा के लेके वापिस यहीं आएंगे, यहीं से माला तैयार करके तो हम गाँव की तरफ जाते हैं। तो आप सबको ये मालूम होगा बैसाखी क्यों मनाया जाता है, बैसाखी जो है हमारे देवी देवताओं का नया साल शुरू होता है, इसी नया साल के दिन हम देवी माता को काफी हाइट में जाके शुद्ध फूल उठा के लाते हैं, और माला पहनाने के बाद ही आज से ही बैसाखी शुरू होती है। बस फिर हम बाद में मिलेंगे दोबारा जब फूल लेके वापिस आएंगे। कंडे पहुंच गए हैं, उससे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, अभी हमें जो मेन फूल है वो नहीं मिले, हमें ये मिले हैं, ये भी शाशुरे बोलते हैं इसको, ये भी देवी जी के माला में लगता है। और इन सबको, इन फूल को उठाने से पहले हम मिट्टी से हाथ साफ करते हैं। अच्छा, और इसकी खुशबू कैसी होती है? इसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा, मतलब ज्यादा सूंघेंगे तो सर में? हाँ जी, सर दर्द हो जाती है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं शाशुर के फूल। Thank you.
ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में पहुंची, मेरी माता के लिए फूल उठाने आई। अच्छा, फूल भी बहुत मिल रहे हैं। बहुत सारे लाए आप तो उठा के, ये सब देवी माता के सौजन्य से। गाइस यहाँ पे देखिए कितने सारे शशुर के फूल हैं। देखिए है तो ये पत्ता फॉर्म में, ये देखिए, लेकिन इसको फूल ही बोलते हैं हम ना। दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बीच में रुक गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम और ऊपर जा रहे हैं तो बारिश और ज़्यादा तेज़ हो रही है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए मेरी टोपी वगैरह सब भीग चुकी है और मेरा ये जो चोली है ये भीग चुका है। बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, काफ़ी हद तक तो उठा लिया है। जो हमारे साथ दूसरी लेडीज़ आई थी गांव की, वो बहुत ही फास्ट है तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी उठा दिया, थोड़े बहुत हमने भी उठाए हैं। और बाकी नज़ारे तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बारिश की वजह से, धुंध की वजह से मैं आप लोगों को नज़ारे नहीं दिखा पाई। हालांकि मैं कैमरा वगैरह सब लेकर आई थी कि जूम करके दिखाऊंगी, यहाँ के जो आसे पासे वाले गांव हैं काफ़ी नज़र भी आते हैं यहाँ से, तो मुझे लगा था कि चलो जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगी ये कौन सा गांव है, ये कौन सी पहाड़ी है, लेकिन बारिश की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। टेम्परेचर एकदम माइनस में चला गया है और जो हमारे हाथ है वो जमने लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। बस अभी फिर अभी और थोड़ा सा रहता है फूल उठाने के लिए, क्योंकि कम हो गया है तो ज़्यादा उठाना है हमने अभी फूल। फिर हम जाएंगे नीचे, तब जाके हम पहनेंगे वो जो हमारा अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है दोरी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, वो दोरी पहनना पड़ेगा क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सब थक के बुरे हाल है गाइस। अब हम आ गए कंडे से फूल लेके शिनंग के, शिनंग में। अब यहाँ पे हम सब ने अलग अलग सब्जियां लाई थी और हम सब ने मिल बांट के खा लिया, और ये हमारे ब्लॉग है यानी हमारे अंजलि दी बर्तन मांज रहे आपको कैसा लग रहा है बर्तन मांजते? बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। आप लोगों को पता ही है कंडे तो हमेशा मुझे शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद है, और यहाँ अपने नानके के कंडे में आके भी मजे ही कुछ और है बर्तन मांजने का बहुत अच्छा जैसा लग रहा कि आपने सुना, इनको बर्तन मांजने में बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को विश्व मिले की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारक हो। आज हम लोग यहाँ पे दुर्गा माता को फूल माला बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी ने यहाँ पे फूल, ये फूल लाया हुआ है, इसको फांटिंग बोलते हैं, और इसका दुर्गा माता के लिए माला बनाते हैं। लड़कियाँ फूल लेके आए, हम बाद में आए स्पेशल माला बनाने के लिए। अच्छा, और अभी हम माला बना रहे है।
माला को आप क्या क्या किस तरीके से बना रहे हैं? ये माला को हम यहाँ धागे में ऐसे बिना सुई के ऐसे बांध के बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब इसकी जो ये लंबी लंबी डंठल है इसको इसको तोड़ना तोड़ना पड़ता है, इसको तोड़ के बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। कितने कितने माले बन जाएंगे इससे? इससे तो माले तो फिलहाल तो एक ही बनाते हैं। अच्छा, हाँ जी। देवी जी के लिए? देवी जी के लिए, हाँ जी। अच्छा, एक कान में लगाने के लिए बनाते हैं कनारे। अच्छा, वो आगे दिखाएंगे। अच्छा, बनाया नहीं, बाद में जब बनाएंगे तभी दिखाएंगे आपको। अच्छा, ठीक है। इसमें ये सारे फूल फंडिंग हुई है? हाँ जी, इसको। अच्छा, हाँ, ये जंगल में था, हमने भी देखा था। ये बहुत सुंदर था, ये वहाँ पेड़ में शाशुरी लगाते हैं। अच्छा, आज बहुत ठंड है, यहाँ हाथ में कंपन हो रही है। दुर्गा माता हमारे को शक्ति दे। कंपन हम सोच रहे थे ना, जब हम हाइट में थे जब फूल उठा रहे थे तो थोड़ा नीचे उतर के हमारे को थोड़ी सी गर्मी लगेगी, यहाँ आके तो और हाथ ठंडे हो गए। एक तो बारिश हो रही थी ना, इस वजह से हुआ। जो बोला आग जलाएंगे, चलो आएगी नहीं आई तभी तो आप लोगों ने आग जला के रखा। थोड़ा हम गर्म हो गए, नहीं वैसे तो आज बारिश बहुत लग गया था। ये तो क्या होता है, दुर्गा माता की कृपा से कति के शौक। हमारे देवी माता के लिए कनारे ओ तैयार हो गया। इसको कनारे ओ बोलते हैं, ये कान में लगाते हैं, जैसे हम भी लगाते हैं कान में, एक ही साइड लगाते हैं ना। अच्छा, ये देवी माता के लिए कान में एक साइड के लिए फूल तैयार हो गया। अच्छा, आप लोग क्या बना रहे हो? ये हम अपनी टोपी पे लगाने के लिए। अच्छा, कितना सुंदर है, बड़े क्यूट से लग रहे हैं ये तो। अच्छा, नीचे ये फंटिंग हूँ लगाया है, बाकी ऊपर शाशुरे बोलते हैं। अच्छा, फोल्ड करके लगा रहे हो ना? हाँ जी, अच्छा लगा रहे। अच्छा, तैयार हो गया? ये हमारा माला तैयार हो गया। अच्छा, हाँ जी, बहुत मेहनत से। हाँ, बहुत टाइम से थे आप लोग, पता नहीं कितने घंटे लग गए ये माला बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। एक्सपर्ट स्वीटी। अच्छा, तो सारे स्वीटी तेज है बहुत। अच्छा, अब डंडे में लगाने को। अच्छा, इसको डंडे में लगाएंगे? डंडे में लगा के ले जाना पड़ता है ना ऐसे में। अच्छा, लेके आओ पानी भी छिड़कने को। ठीक है, इसको किस तरीके से इसमें डालेंगे, इसमें कैसे लगाएंगे इसको? ना इसमें होकर के लगाना पड़ता है ना ऐसे, धागे को ऐसे घुमा घुमा के लगाना पड़ेगा डंडे में। अच्छा, पर ये छोटा है, जुटेगा दो तक डंडा। ठीक, अच्छा, इसे बड़े डंडे में पीछे है। गाइस, ये डंडा दिखने में भारी है पर उठाए तो हल्का है। हल्का है, मुझे लगा भारी होगा। पकड़ो तो बड़ी डंडा पकड़ो तो। फूल को शुद्ध कर रही है नाली। गाइज, आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉगर यानी अंजलि दी, ये दोरू बना रहे हैं। अब हम सब तैयार हो रहे हैं, ये भी तो बोलो। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे और लोग भी तैयार हो रहे हैं। इसको बोल रहे ना? नहीं यार, ये बाहर वाला।
देख सकते आप सभी लोग तैयार हो रहे हो। अब मेरी बारी है, अब मैं भी तैयार हो गई है ना। बस मैं भी पहनने की तैयारी में हूँ। बिल्कुल बैक साइड पहना कर, यहाँ बैक साइड, यहाँ जगह नहीं है गाइस, जगह की कमी है, बहुत कमी है। दोस्तों एक और हम लेडीज पहाड़ों में जाकर फूल उठा रहे थे, तो दूसरी ओर मंदिर में देवसभा की जा रही थी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताया गया कि देवसभा में पूरे साल का ब्यौरा दिया जाता है और बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं। इसके समक्ष बगीचे से प्राप्ति, जो बगीचे हमारे जो ऑक्शन हुए हैं उसमें प्राप्ति हुई है 8,72,000। नीचे जाने लगे हुए हैं और अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। कह रहे थे कि इस बार लेट हो गए हैं।
त्योहार देखा, ट्रंडा विलेज में किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने सेलिब्रेट किया। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी, जब हम फूल लेकर आ रहे थे मंदिर की ओर, जैसे ही मंदिर में पहुंचे उस वक्त मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जैसा कि पार्ट वन में बताया गया था कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, और देवी जी बाहर थे इसलिए मैं कर नहीं पाई। अगर देवी जी अंदर होते तो मैं बनाती। तो वो जो नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत था, लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया, डांस किया, और एक जो यहाँ का जो कल्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि किसी के घर में परिवार की डेथ हो गई हो, वो शोक में रहते हैं, और जो फर्स्ट जो फेस्टिवल आता है तो वहाँ गाँव वाले मिलकर उनका जो शोक मुक्त करते हैं, उनको टोपी में फूल देते हैं उनको, और वो शोक मुक्त हो जाते हैं, और फिर उनको भी डांस करवाते हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा कल्चर है, और बहुत मतलब वो नज़ारा अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोगों को त्रंडा विलेज आना पड़ेगा विशु के त्यौहार में। नेक्स्ट ईयर ज़रूर आइए अप्रैल 14-15, और यहाँ पे जो विशु का त्यौहार है किस तरीके से मनाते हैं ये ज़रूर देखिएगा आप लोग। और जो देवी जी के साथ जब हम डांस करते हैं वो एक ऐसी फीलिंग है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो खुद आकर आप लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि किस तरीके से, वो एक अलग ही फीलिंग है, मैं अभी भी बयान नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।